क्षमा करना कौरवकी। तुम्हारे पिता मुझसे घृणा करते हैं, वो मुझे तुम्हारे पति के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे, किंतु उसका यह अर्थ तो नहीं कि तुमसे विवाह करने के लिए मुझे उनकी अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं। कन्यादान प्रत्येक पिता का अधिकार होता है, दायित्व होता है, और उनका दायित्व मैं उनसे छीन नहीं सकता। मैं केवल यही चाहता हूं ये परंपरा हम उनकी उपस्थिति में पूर्ण करें। अंततः मैं विजयी हुआ ना कलिंग नरेश। मैंने आपसे कहा था मेरा अशोक आपके आशीष और आपकी अनुमति के बिना विवाह तो दूर सगाई भी नहीं करेगा। मैं उसे भली भांति जानता हूं। स्वागत है आपका पिताजी। तुम्हें खोने के बाद ज्ञात हुआ कि तुम्हें तुम्हें पाने का क्या अर्थ है पुत्री। अशोक ने तुमसे विवाह न करने का निर्णय लेकर आज मुझे आभास दिलाया कि सोच तो मेरी छोटी थी, दृष्टिकोण तो मेरा अनुचित था, दोष मुझ में था उसमें नहीं। आज उसने प्रत्यक्ष को सिद्ध कर दिया। मां की ममता हर संतान के लिए होती है, परंतु पिता का पूर्ण विश्वास केवल उसी संतान के लिए होता है जो उस पात्र के योग्य होता है। जिस संतान के लिए पिता इतना कुछ करे वह संतान कभी अनुचित नहीं कर सकती। अशोक, तुम्हारे पिता को तुम पर पूर्ण विश्वास है, तो तुम्हें भली भांति समझते हैं। आज कोष से धन चोरी हुआ है, इसकी सूचना केवल इसी कक्ष में रहनी चाहिए। शत्रुओं को हमारी आर्थिक स्थिति ज्ञात नहीं होनी चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्योंकि यह स्पष्ट है कि कोष की चोरी सगाई के समय हुई है, उससे पूर्व नहीं। इसीलिए सभी सीमाओं को बंद कर दिया जाए ताकि कुछ भी नगर से बाहर न जा पाए। राजकोष का दान कहाँ है मुझे पता। तुम्हें पता है कहाँ है राजकोष? किसने चुराया? श्यामक और सुशीम ये ऐसा कर सकते। श्यामक और सुशीम? किंतु तुम्हें ही कैसे पता? क्योंकि उन्हें मैंने कहा था। तुमने क्यों? तारीख का गला तो मेरा लेकिन सोच नहीं, और मुझे भी इसका डर भी नहीं है। याद रहे कि राजकोष को चुराने के षड्यंत्र में मैं तुम्हें मृत्युदंड भी दे सकता हूँ। कहाँ है राजकोष? वही बताने आई थी। सुनोगे तो राजकोष भी मिलेगा और छोड़ भी। पिताजी महाराज खंड के पास देखिए। यदि
यदि राजकोष चुराने में इनकी सम्मिलित नहीं होती तो क्यों आते ये क्षण यहां भेष बदलकर? हटो मेरे मार्ग से। तुम्हारा कोष लूटा जा रहा है क्या सुशील? क्यों किया तुम दोनों ने ऐसा? ओ पिताजी, ये सब श्यामा की योजना थी। मेरी? हाँ यही था जो योजना चाहे किसी की भी, दंड तो दोनों को एक ही मिले। सम्राट, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। आचार्य, ये कैसे संभव है? मेरे सूत्रों के अनुसार राजकोष यही होना चाहिए था। सत्य बताओ, कहाँ है राजकोष? कौन सा राजकोष पिताजी? वही राजकोष जो तुमने चुरा कर यहाँ छुपा के रखा है, जिसे लेने के लिए तुम यहाँ आए हो। नहीं नहीं पिताजी, मैं तो यहाँ पर देवी माँ के दर्शन करने आया हूँ। तुम्हें देवी माँ में कब से श्रद्धा होने लगी? निश्चित ही भैया सुशीम की देह ईश्वर में कोई आस्था नहीं है, किंतु चूंकि वो राजकुमारी चंदा से विवाह करने जा रहे हैं और वो धार्मिक प्रवृत्ति की, तो बस मैंने इनसे कहा कि आप भी अभी से देवी देवताओं के पूजा पाठ के अभ्यस्त हो जाइए तो अच्छा है। बस यही मेरी योजना थी और इसी के लिए ये कुछ समय पूर्व मुझ पर आरोप लगा रहे थे। मैं चाहता था कि भैया सुशीम अपने जीवन का एक नया चरण शुरू करने जा रहे हैं, तो नई ऊर्जा और ईश्वर के आशीर्वाद से करें तो अच्छा है। बस इसीलिए मैंने यहाँ लेकर आ रहा था पिताजी महाराज। किंतु भेष बदलने की क्या आवश्यकता? क्योंकि पिताजी, मैं ढिंढोरा नहीं पीटना चाहता था कि मैं क्या कर रहा हूँ। पिताजी, भला मैं अपने घर में चोरी क्यों करूंगा, क्यों चुराऊंगा मैं अपना ही राजकोष? आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया पिताजी? सच में पिताजी, आप कान के कच्चे हैं। अशोक ने कहा, आपने मान लिया। पिताजी महाराज, मैं तुम तो कह रही थी कि कैसे हुआ मैं नहीं जानती। मेरा विश्वास करो, कोश यही था, तभी तो वो दोनों यहाँ आए। श्रुति, जो तुम कह रही हो वो सत्य है, तो इसका अर्थ ये है कि कोई हमारे साथ खेल खेल रहा है, किंतु कौन? मगध और कलिंग के गठजोड़ की अनुमति मैं कभी नहीं दूंगा। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, इस राजसी विवाह को संबंधों की रणभूमि में परिवर्तित कर दूंगा मैं। ऐसा महासंग्राम होगा कि मगध अपने अस्तित्व के लिए तरसेगा। ये मुझे मंदिर के गर्भगृह से मिला था। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या हुआ कौन? ये देखा है तुमने कहीं? पहचानते हो तुम इसे? स्मरण करो, ये देखा है तुमने कहीं? नहीं, मैं नहीं जानती। ठीक है, परंतु तुम ठीक तो हो ना? मुझे थकान हो गई है। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साथ एक दिन में इतना कुछ हो जाएगा। मुझे विश्राम करना चाहिए। हाँ, तुम जाओ विश्राम कर। अशोक, इस तरह के मयूर के पंख के रंग का पत्थर तो गौरवकी के परिवार वालों के वस्त्रों में मिलता है, लेकिन गौरवकी तुम्हारे साथ विश्वासघात नहीं कर सकती। इसलिए संभव है कि कोई हमें भ्रमित करने का प्रयास कर रहा। यही तो पता लगाना है आचार्य कि वो कौन है, किंतु इस समय तो सभी संदेह के घेरे में है।
अशोक को रोक पाए। हाँ किंतु मुझे ये सब उचित प्रतीत नहीं हो रहा। ये बात अशोक को किसी और के माध्यम से पता चले, इससे अच्छा तो यही है ना कि मैं उसे सत्य बता दूं। सबसे पहले आपको वस्त्र बदलने होंगे, आइए। कौन रखी